हेलो व्यूवर्स, अभी तो बहुत ही अच्छे अच्छे वाले फ्रूट्स का सीज़न है। उसमें एक ऑरेंज है जो कि बहुत अभी आ रहे हैं, तो आज हम बनाते हैं ऑरेंज फ्लेवर में केक। तो चलिए, और आप देख रहे होंगे कि ये देखने में भी कितना अच्छा और कितना स्पॉन्जी, कितना जालीदार बना हुआ है। तो चलिए, अब हम फटाफट से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिए और इसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुंच सकेंगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यम्मी यम्मी, इसके लिए देखिए हमने ये लिया है 2 कप मैदा है, 1 कप पाउडर शुगर है, 1/2 कप हमारे पास ये है रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जिसमें स्मेल ना हो। 1/2 कप ये हमारे पास ऑरेंज जूस है, 2 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 ये नमक है हमारे पास। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे अपना शुगर, और इसमें अब हम ऐड करेंगे ऑरेंज जूस, ये हम इसमें ऐड करेंगे, और ये जो हमारा दही है ये हम ऐड कर देंगे। दही आप फ्रेश लीजिएगा और रूम टेम्परेचर का लीजिएगा। उसके बाद हमें इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है, और इसमें अब हम ये ऑयल जो है ये भी हम ऐड कर देंगे, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमें तब तक करना है जब तक कि ये अच्छे से बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए, और मिक्स हमें एक डायरेक्शन में ही करना है और बहुत तेज से हमें बीट नहीं करना है। लाइटली हमें इसे बीट करते हुए मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए, ये हमने अच्छे से इसको बीट कर लिया है। अब हमें कोई भी आप स्ट्रेनर ले लें, उससे अब हमें इसमें मैदा डालना है। पहले 1 कप डालेंगे, इसी में अब हम साथ में यहाँ पे ये हमारा जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और जो नमक है ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। पहले इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे दूसरा कप भी मैदे का डालेंगे। बहुत तेजी से मिक्स नहीं करना है हमें इसे, और एक डायरेक्शन में ही मिक्स कीजिएगा इसे। हो गया, अब हम ये 1 कप जो हमारा मैदा और है हम ये भी डाल देते हैं इसमें। ये बहुत ही फ्लफी, सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार होता है। ये देखिए, इस तरह से जो ये थे ना ये आगे अलग हो गए, इसलिए इसको आप छान के जरूर डालिए। कट एंड फोल्ड मेथड से हमें इसे मिक्स करना है। कट फोल्ड, कट फोल्ड, हमें इसी तरह से करते हुए हमें इसे मिक्स करना है। इसे हमें बिल्कुल भी तेज 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 बीट करते हुए हमें इसे मिक्स नहीं करना है, वरना केक हमारे स्पंजी नहीं बनेंगे। ये हम अपने केक की थिकनेस देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि हाँ जरूरत है तो इसमें अब हम थोड़ा सा फिर हम मिल्क ऐड करेंगे। अब हमें थोड़ा, हमारा ये थिक है तो हमें इसमें अभी थोड़ा सा मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे। मिल्क भी और दूध भी जो आप डालिएगा वो भी आप रूम टेम्परेचर का ही डालिएगा, ठंडा दूध इसमें नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे, क्योंकि हमने दही भी डाला है, ऑरेंज जूस भी डाला है, तो उसमें हमारा ये जो हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला ये बहुत ही अच्छा रिएक्ट करेगा। इसीलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा, बहुत तेज तेज मिक्स नहीं करना है। अगर बहुत तेज तेज, बहुत ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो ये हमारा केक स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तकरीबन हमने 4 टेबल स्पून दूध हमारा गया है। जब तक हम मिक्स कर रहे हैं तब तक जो हम अपने ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। तो ओवन को हम कन्वेक्शन मोड पे बनाएंगे, तो इसे हमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट करना है पहले, और इसे हमें प्रीहीट में लगा देना है। जब तक हमारा ओवन प्रीहीट हो रहा है तब से फूड कलर डालेंगे, येलो फूड कलर है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। तो इसमें हम ये येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड करते हैं। आप देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया ना इसका। तो बस अब हमें इसको उसी मेथड से हमें इसे मिक्स करना है, कट एंड फोल्ड मेथड से ही। बस अब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम अपने ट्रे को तैयार कर लेते हैं। तो बस आप कोई भी केक टिन ले लीजिए और उसको हमें अच्छे से इस तरह से ग्रीस कर लेना है थोड़ा सा ऑयल लगाकर,
और बस इस तरह से हम अपने उसमें डाल देंगे केक टिन में, ये हमारा जो बैटर है इसको। तो ये हमने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा हाफ टी स्पून ये हम मैदा डालेंगे। मैदा डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जब हम उसमें डालेंगे ना तो वो सारे नीचे की तरफ बैठेंगे नहीं। ये हमने बैटर इसमें डाल दिया, इसको हम टैप कर लेंगे दो तीन बार इस तरह से। और इसके ऊपर हमने ये जो टूटी फ्रूटी लिया है ये हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे। अब ये देखिए ओवन हमारा प्री हीट है, इसके अंदर हम इसको रख देते हैं और रखने के बाद हमें, तो अब हम इसमें 30 मिनट का टाइम सेट कर लेते हैं। और अब 30 मिनट हो गए हैं, तो 30 अब हम केक को अपना निकालते हैं और एक बार चेक करते हैं, अगर कुक हो गए होंगे तो ठीक है, वरना हम इसे वापस से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो ये देखिए हमारा तो बिल्कुल कुक हो गया है, ये नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकल के आ गया है। बट अगर कुक नहीं होता है, नाइफ़ में अगर कुछ लगता है, तो आप थोड़ी देर और कुक कर लें। हम इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको डिमोल्ड करेंगे, वरना ये टूट जाएंगे। अब ये ठंडा हो गया और हम बटर पेपर निकाल लेते हैं। आप खुद देख रहे होंगे कितना अच्छा सा इसका कलर आया और कितना स्पॉन्जी सा ये बनके तैयार हुआ है केक हमारा। तो देखिए ये हमारा केक बनके तैयार हो गया है, ऑरेंज केक हमने बनाया है, इसीलिए हमने इसको ऑरेंज के साथ डेकोरेट किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐसे डेकोरेट करें, डेकोरेट करने से बस थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो बस आप इस तरह से ट्राई कीजिए, अभी ऑरेंज का सीजन भी है, आप खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, हमें उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम फिर नेक्स्ट रेसिपी में, बाय।